अमरोहा कांग्रेसियों ने शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर राज्यपाल महोदय के नाम पत्र लिख डीएम को सौंपा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी अमरोहा ने जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया, शहर अध्यक्ष परवेज आरिफ टीटू के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा। जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार घोटालों की खबरें आ रही हैं। युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी के बावजूद शिक्षक भर्ती के 69,000 पद घोटालों की भेंट चढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार की नाक के नीचे कई सारी भर्तियां लटकी हुई हैं। लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर परीक्षाएं देते हैं और नौकरी लगने का इंतजार करते हैं, लेकिन सरकार की भ्रष्ट व्यवस्था के चलते ज्यादातर भर्तियां कोर्ट में लटक जाती हैं या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। हाल में ही 69,000 शिक्षक भर्ती और पशुपालन विभाग में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार में कई सारे भाजपा नेताओं का नाम सामने आए हैं। शहर अध्यक्ष परवेज आरिफ टीटू ने कहा, कई मंत्रियों ने प्रतिनिधियों के नाम घोटालों में उजागर हुए हैं। इसमें भाजपा सरकार बड़े नेताओं और अधिकारियों को बचा रही है। यही लोग बार बार भर्तियों में घोटालों को अंजाम देते हैं। इसी तरह यूपी में अन्य तमाम भर्तियों को सरकार ने लटका रखा है। हमारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज जिला और शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से संयुक्त ये ज्ञापन जो है डीएम साहब की मार्फत माननीय महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश जी को दिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार में लगातार घोटालों की संख्या बढ़ती जा रही है, हम एक मजबूत और भले हम संख्या बल में कम हो लेकिन इरादों से मजबूत कर्मठ निडर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए इस चीज का विरोध करेंगे। जो 59,000 जो शिक्षक भर्ती में घपला हुआ, पशुधन में घपला हुआ, इसके विरोध में आज हम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं और लॉकडाउन का पालन करते हुए हम आगे भी इस चीज के लिए आंदोलित रहेंगे। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई, हमारी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से कि वो इसकी जांच कमेटी में किसी मौजूदा हाई कोर्ट के जज को, जज की निगरानी में उसकी निष्पक्ष जांच हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। शुक्रिया। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार में, योगी जी की सरकार में घोटाले पे घोटाले होते चले जा रहे हैं। उन घोटालों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी अमरोहा ने जनपद के जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय को हमने ज्ञापन भिजवाया है और ज्ञापन में हमने मांग की है कि 69,000 शिक्षक जो घोटाला हुआ है उसमें हाई कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस महोदय से उसकी जांच कराई जाए, और दूसरा पशुधन घोटाला हुआ है उसकी भी जांच एक आयोग बना कर की जाए, और योगी जी की सरकार में उनकी नाक के नीचे तमाम घोटाले हो रहे हैं और उन घोटालों में उनके तमाम अफसरशाही, नौकरशाही और उनके मंत्री और एमपी और विधायक लिप्त हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है, और कांग्रेस पार्टी उन घोटालों के विरुद्ध आवाज़ उठा रही है, और जब तक उन घोटालेबाजों को सजा नहीं मिलेगी कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी।